Kisan. Chitaro. Se. Phir. Se. Phir. Sundar. Apna. Desh. अच्छा, मैंने जो तुम्हें पढ़ने दिया था तुमने पढ़ा? क्या हुआ, चुप क्यों हो? इसका मतलब तुमने नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर अभी मैं जो प्रश्न पूछूंगी तुम सही से जवाब देना, ठीक है? ठीक है। पहले बताओ, आसाम के एकमात्र नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली। इसका मतलब तुमने पढ़ा है ना? आओ ना, बैठो ना मेरे पास। तुम अकेले ही पियो, दिन में ये सब पीकर मुझे अपना दिमाग गर्म नहीं करना। ऐसा क्यों बोल रही हो, हमेशा तो दिन में नहीं पीता। आज काम पे नहीं गया इसलिए पी रहा हूँ। क्यों, आज काम पे क्यों नहीं गए? ऐसे बस मन नहीं गया। सवेरे सवेरे उसकी शक्ल देखते ही दिमाग खराब हो जाता है। और आज जब मैं घर से निकल रहा था वो बोलने लगी उसके पेट में दर्द है, आते वक्त मैं उसके लिए दवाई लेके आऊं। अरे मरती है तुम्हारे, मेरा दिमाग क्यों चपाती रहती है? अच्छा, बीबी ने दिमाग खराब किया है इसीलिए मेरे पास आते हो? ऐसे तो मेरी याद ही कहाँ आती है। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी कसम, मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं भागकर तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अच्छा, जब तुम्हें समय मिलता है यहाँ चले आते हो, मीठी मीठी बातें करते हो, ऐसा कब तक होगा? ये बताओ मुझे कब लेकर जाओगे? अगर उसे भगा पाता तो मैं तुम्हें आज ही लेकर जाता। सच? मगर क्या करूं, उसे जितनी भी गालियां दो, बुरा भला कहो, सब कुछ सहन कर लेती है। वो खुद अगर घर से ना निकले तो तुम ही बताओ मैं उसे कैसे निकालूं। उसे कैसे निकालना है वो तुम सोचो, लेकिन अब ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम्हारा जब मन करता है यहाँ चले आते हो, कभी सोचा है? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और एक अकेली लड़की के घर में दिन भर एक मर्द घुसा रहे तो किसकी बदनामी होगी? मैं ये सब जानता हूँ, पर मैं तुम्हें क्यों नहीं अपना पा रहा हूँ ये तुम्हें भी अच्छी तरह से मालूम है। क्या करो, मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। अगर कोई उपाय नहीं है तो क्यों आते हो यहाँ? मैं तो तुम्हारे पीछे नहीं जाती। दीप्ति, क्या तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों आता हूँ? मुझे ये सब नाटक नहीं सुनना। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। दीप्ति, समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें सही समय आने का इंतजार करना होगा। मुझे और तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, जो भी करना है जल्दी करो। दीप्ति, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कोशिश करते रहना, ठीक है? इस निकम्मी औरत के वजह से घर में अशांति फैली हुई है, एक काम ढंग से नहीं होती है, और अब गई मास्टरनी बनने के लिए। आज के लिए बस इतना, अब नहीं पढ़ना। चलो रखो ये सब। अनीता, अनीता। ओ भाभी, आइए आइए। आह, क्या हुआ, तुम बैठो। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं भाभी, मैं ठीक ही हूँ, बस अचानक उठ गई ना, आप तो जानते ही हैं वो पुरानी वाली बीमारी। हाँ बेटी, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, जाओ। अनीता, तुम्हारी पुरानी वाली बीमारी के बारे में डॉक्टर ने क्या बोला? उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है भाभी,
सिर्फ मेरी एक असमर्थता के कारण आज तक बच्चे का मुंह नहीं देख पा रही हूँ। फिर भी तुम आशा मत छोड़ना, आजकल हर बीमारी का इलाज होती है। भाभी, इंसान का मन अच्छा होना तो धीरज रखना बड़ी बात नहीं है, पर हमारे घर में तो किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। घर वालों की फिक्र क्यों नहीं है? माँ और इनके हिसाब से चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब हो, बस उन लोगों को एक बच्चा चाहिए। और वही बात बोल बोल कर उन दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है भाभी। पर ऐसा कैसे होगा, घर में सिर्फ तीन लोग रहते हो, अगर यहाँ भी अशांति है तो कैसे रहोगे? विपुल क्या तुम्हें इन सब बातों से परेशान करता रहता है? वो तो और एक कदम आगे है। माँ कुछ कहती है तो मैं हजम कर लेती हूँ, क्योंकि वो कुछ चाहती है जो मैं नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन भाभी, वे लोग मेरी परेशानी समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। कल से मेरे पेट में दर्द है, मैंने इन्हें कहा भी था कि दवा ला दे, पर इसमें भी मुझे गाली देने लगे। ये सब सुन सुनकर अब मुझे इस घर में रहने का मन नहीं हो रहा है भाभी, पर क्या करूं, लोग क्या कहेंगे यही सोचकर फिर से यही रुक जाती हूं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। रो मत अनिता, तुम अगर इस तरह निराश हुई तो वो दोनों और खुश हो जाएंगे, और वैसे भी इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जितना हो सके लड़ो। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछी ना भाभी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये विपुल जो दीप्ति के घर परा रहता है, तुम्हें इस बात की खबर है कि नहीं? सब पता है भाभी, पर क्या करूं, जब भी मैं इस बारे में उन्हें पूछती हूँ तो मारने को आते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर तुम बच्चा नहीं दे सकते तो इन सब के बारे में भी पूछने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। अरे, पर ये तो गलत है, तुम उसकी पत्नी हो, इसलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो दिखाने का अधिकार तुम में है। अपना अधिकार जताते जताते ही मैं इस घर में रहने का अधिकार भी खो चुकी हूँ भाभी। मैं समझ गई अनिता, फिर भी अगर हो सके तो तुम विपुल को समझाना, ऐसे एक अकेली औरत के घर में घुसे रहना अच्छी बात नहीं है। गांव में हर किसी के मुंह में उनकी ही चर्चा है। अनिता, मैं अब चलती हूँ। ठीक है। अरे ओ, दूसरों के घरों में क्या हो रही है तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू अपने घर की चिंता कर। आप ये क्या बोल रही है बरीमा? जो सुन रही हूँ वो ही बोल रही हूँ। मेरा बेटा क्या करे वो मेरी घर की बात है, तुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं है। भाभी ने क्या गलत कहा है माँ जी, जो सच है वही तो बता रही है। अपने खुद के पत्नी होने के बाद भी अगर किसी और औरत के घर दिन भर घुसे रहेंगे तो गांव में तो बदनामी होगी ही ना। तू चुप कर, ये सब बात बोलने की तुझे कोई अधिकार नहीं है, और तू कान खोल कर सुन ले रेनू। दूसरों के घर में ऐसे आग लगाना छोड़ दे, और ये सब करने के लिए मेरे घर भी मत आया कर। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए बरीमा, मैं बाहर जो कुछ सुना वही अनिता को बता रही थी। अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं घर तोड़ने नहीं घर बचाने आई थी। अनिता, ये तुम्हारी ट्यूशन फीस रख लो। बरीमा, इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है,
ये तेरे लड़की को पढ़ाती है, पर इसका पेट तो हमें भरते है ना। पालते तो हम हैं, पर ये जो खाती है ऐसे थोड़े ना आते हैं। बरीमा, ये सब आपकी घर की बात है, मैं क्या बोलूंगी, मैं अब चलती हूँ। ऐसा नहीं होगा, आज मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा कि मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। उसके कारण मैं दीप्ति को अपना नहीं पा रहा हूं। इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? आज आप फिर से पीकर आए हैं? हाँ, आया हो पीकर, इसमें तेरा क्या जाता है? मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे नहीं खाना। क्यों? इतनी रात को दीप्ति क्या मुझे बिना खाए आने देगी? मैं पेट भर के खा के आया हूँ। बात करती है, खाना खाना है, मुझे नहीं खाना। आप ऐसे ही सो गए? कपड़े तो बदल लीजिए। ऐसा मैं जैसे भी सोऊं, तुझे क्या परेशानी है? तू ये बता, तू इस घर से कब निकलेगी? निकल जाऊं? मतलब तुझे समझ में नहीं आता क्या? तुझे इस घर से जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं दीप्ति को यहाँ कैसे लाऊंगा? ओ, असली बात ये है, आपके बारे में लोग ऐसे ही बातें नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं इस घर में ऐसे ही नहीं आई हूँ। बाकायदा आप समाज के सामने मुझे ब्याह कर इस घर में लाए हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगी। ये तेरी घर है क्या? ऐसे भी तेरे ये बीमारी का दुकान मेरे गले में अटका दिया। क्या कहा आपने? हाँ, तेरे बाप ने तुझे मेरे गले में बांध दिया, तेरे बाप ने। बस, मेरे बाबूजी के बारे में आप कुछ मत बोलिए। आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोलिए, मैं सब सुन लूंगी, लेकिन अगर मेरे बाबूजी के बारे में कुछ भी बोला ना, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें मत कर। तेरी वजह से सारे दोस्त मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं सूखे पेड़ पर कितना पानी डालेगा वह फल नहीं देगी, और अब पाप के बारे में बोलने से तुझे शर्म आती है? तू निकल, तू 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 अभी मेरे घर से निकल। निकल, छोड़िए मुझे, निकल दूंगा। निकल जा मेरे घर से, तेरी जैसी कुलक्षिणी का मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप क्या कह रहे हैं ये सब? आस पड़ोस के लोगों को सुनाकर आपको क्या मिलेगा बोली? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे मैं हमेशा के लिए यहाँ से निकल रहा हूँ। तेरे मनहूस कदम फिर यहाँ मत रखना। बोल देता हूँ मैं। सुनिए ना, दरवाजा खोलिए ना, क्या कर रहे हैं आप? सुनिए, मैं आपको भी कभी परेशान नहीं करूँगी। आप जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अरे सिल्ला मत, इतना सिल्लाती है ये।
जहाँ पे मरना है मरो, मुझे परेशान मत करो। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? अरे सिल्ला ना बनकर, अब सिल्ला के भी कोई फायदा नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं? मैं अकेले अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? चार साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ, खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल। जारी है कृषि दर्शन का ये सफर किसान चैनल के साथ, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। रखो भाभी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? तुमने मुझे क्यों रोका? मर जाने दिया होता। नहीं भाभी, लोग आपको इस परिस्थिति में देख के क्या सोचेंगे? आप थोड़ा पानी पी लीजिए। चलिए भाभी, यहाँ से चलते हैं। चलिए थोड़ा पानी पी लीजिए भाभी, आइए आइए ना भाभी। छोड़ो। चलिए भाभी, प्लीज चलिए। ले। उसको जो रात के समय तूने घर से निकाल दिया, कहाँ चली गई, किस हाल में है, कुछ पता चला तुझे? कहाँ गई, क्या कर रही है, मुझे क्या पता? घर से भला दूर हो गई, यही मेरे लिए खुशी की बात। खुशी ये तो पता चला, अगर वो कहीं जाकर खुदकुशी कर ली तो? कहीं मरती है तो मर जाए, मुझे डरने की क्या जरूरत है? जो होगा देखा जाएगा। सुन, एक काम कर, वो घर से चली गई ये बात कहकर थाने में एक खबर दे रखना। तब वो अगर कहीं जाकर खुदकुशी कर भी ले, तुझे कोई दोष नहीं दे पाएगा। ये तूने ठीक बताई है, वो खुद घर से भाग गई। ये बात अगर लोगों के सामने साबित हो जाए तो दोबारा उसे इस घर आने का रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं। अगर वो आ भी जाए, किसी भी हालत में घर में घुसने मत देना। वो लोग आपको कितना भी अत्याचार क्यों ना करे, आप खुदकुशी जैसी बात कैसे सोच सकती हैं?
अब मेरा खुदकुशी के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी जीने का रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के सामने आप बदनाम हो जाएगी। और आज अगर आप खुदकुशी कर भी लेते तो लोग तो यही कहते फिरते कि आपको एक संतान ना होने के वजह से आप निराश होकर मर गई। लेकिन मैंने तो उस बात से निराश होकर अपना जीवन से नहीं भागना चाहती, जिसको मैंने अपना सारा जीवन सौंपा। उन्हीं के अत्याचार और दुर्व्यवहार से बेबस होकर मैं अपने इस जिंदगी से मुक्ति लेना चाहती थी। ऐसा आपने क्यों सोचा है? उस घर से दूर रह के भी आपको हर दुख और कष्ट से मुक्ति तो मिल सकती है। उस घर से दूर मैं कहाँ जाऊँ? क्यों, आपका शादी से पहले वाला घर? नहीं नहीं, मैं इस हालत में माँ के घर नहीं जा सकती। क्यों? अब अगर शादी के बाद अपनी लड़की की बदनामी सहना पड़े तो वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे। आप जिसे बदनाम कह रहे हैं वो तो एक साधारण सी बात है। दुनिया में ऐसे तमाम औरतें हैं जिसको संतान प्राप्त का नसीब नहीं हुआ है, फिर भी तो वो लोग खुश है। इस लिहाज से देखा जाए तो एक साधारण सी ही बात है। उन औरतों के बात अलग है, उनका घर समाज सब अलग है, लेकिन मैं जिस तकलीफों से गुजरी हूँ ये सब कुछ सहकर मैं अपने माँ के साथ या समाज के साथ जिंदा नहीं रह सकती, और मेरी ये कमजोरी मेरी माँ को कभी जिंदा नहीं रहने देगी। हर कदम पर वो शर्मिंदा होगी। मैं और आपको समझा नहीं सकता हूँ। आपके इसी कमजोरी के वजह से ही विपुल जैसा मर्द हमेशा फायदा उठा रहे हैं। अगर आप अपने बलबूतों पर खड़े होकर स्वावलंबी बन जाते हैं तो विपुल के लिए वो एक बेहतर प्रतिशोध साबित हो सकता है, नहीं तो आप रोज ही ऐसे मौत को तलाशती रह जाएगी। मैं इस हालत में अपने आप को स्वावलंबी कैसे बनाऊं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत मैं दूंगा भाभी, आप सिर्फ मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे इसी तरह मुक्ति लेने दो। मुझे इसी तरह मुक्ति लेने दो। लेकिन एक बात याद रखिए भाभी, आज आपके ऊपर जो भी बीता है आपके कमजोरी के वजह से ही हुआ है। शादी के बाद महिला अपने पति के ऊपर संपूर्ण निर्भर होने के वजह से ही उनका साहस बढ़ जाता है। जरा सोचिए भाभी, आज अगर आप खुद को चला पाती हैं, तो आपको देखकर और 10 नारियों को साहस मिलता? फैसला आपको लेना है भाभी, या तो उन 10 नारियों का आदर्श बने, या हर आधे एक घंटे में इस पटरी पे तो ट्रेन आती जाती रहती है। सिद्धांत आपका है।